जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर लास्ट चैप्टर के बारे में। दोस्तों आप सभी थंबनेल पर देख लिए होंगे कि आज आप सभी के लिए क्या क्या बातें करने वाले हैं। दोस्तों आज आप सभी को मैं अपना नोट शेयर करने वाला हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट VVI चैप्टर लाइट्स का, ठीक है। अगर आप सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड से हों, यूपी से हों, बिहार से हों, किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह चैप्टर आप सभी को कहीं ना कहीं सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि अगर आप पिछले अगर आपसे कोई भाई बहन अगर एग्जाम दिए होंगे, उनसे आप पूछिएगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर का वेटेज रहता है फिजिक्स सब्जेक्ट में, तो वो है लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर का यह विशेषता ये भी है कि लाइट चैप्टर जो है वो बड़ा भी है। लाइट चैप्टर में कितना भी अगर कम किया जाए तो कम से कम उससे 500 ऑब्जेक्टिव निकलता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए हमने जो है ना 500 जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सभी को हम करा देंगे। ये 100% आप सभी को करा देंगे यह पाँच दिनों में करा देंगे। कैपेसिटी बस आप सभी का होना चाहिए कि कितना आप सभी रुकते हैं, कितना देर इस वीडियो को देखते हैं, कितना देर पढ़ते हैं, बस आप पर डिपेंड करता है। अगर आप सभी चाहते हैं कि आप 500 क्वेश्चन फिजिक्स का करा दें, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मैं 5 दिन में 500 क्वेश्चन को करा दूंगा। और ये आप सभी कन्फर्म रख लीजिए कि अगर आप 500 या क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट के पकड़ पकड़ के आप सभी को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं दोस्तों। अगर आप उसको पकड़ के कर लेते हैं ना, तो आपका जो है ना 10 नंबर आप सभी का जो है ना सिक्योर हो जाएगा। झारखंड की बात किया जाए तो कम से कम उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट चैप्टर से, ठीक है। यहीं अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पॉलिटेक्निक ये यूपी में पूछा जाए तो यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओवरऑल बात किया जाए तो यहाँ इस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी नए हैं तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आज आप सभी को नोट्स शेयर करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। दोस्तों नोट्स शेयर करने से पहले आप सभी का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आप सभी के साथ साझा कर दें। आप सभी जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे प्रकाश लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें प्रकाश का प्रावर्तन है, अपवर्तन है, स्पेक्ट्रम है, रंग बिरंगे हैं, मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें फंसते हैं, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो आप सभी को मैं यहाँ पर आप सभी को जैसे अभी जो है ना 100 या 50 क्वेश्चन का अभी जो प्रकाश का प्रावर्तन के जितने भी नोट्स हैं, मतलब जितने भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, वो आप सभी के साथ हम अभी शेयर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आप सभी लोगों ने जितने भी YouTube पे सभी टीचर्स होंगे, वो सभी टीचर्स से आप सभी पढ़े होंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप सभी को इस प्रकार से लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को दे रखा होगा, और आप सभी को यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इस प्रकार से आप सभी को दे रखा रहता है। आप सभी के जितने भी अभी यूट्यूब पे चैनल पर पढ़ रहे होंगे, वो सभी टीचर्स आप सभी को इस प्रकार से पढ़ाते होंगे। लेकिन मैं आप सभी को कुछ नया तरीका अपनाने का प्रयास किया हूँ। इसमें क्या है कि आप सभी को मैं पहले नोट्स दूंगा, ठीक है। नोट्स जितने भी मेरे हैं नोट्स आप सभी को दूंगा, वो नोट्स को आप पढ़ लें। मान लीजिए कि आज अगर आप सभी को 100 क्वेश्चन मैं आप सभी को दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चन आप सभी को दिया, तो वो नोट्स को आप अपने घर पर बना लें और वो सभी को पढ़ लें। इससे क्या होगा, लेंस के कितने प्रकार हैं, ए बी सी डी दिए, तो वह जो टीचर है वो आप सभी को पढ़ाए, और आप सभी ने क्या किया, सुना और छोड़ दिया, नोट्स आप सभी ने नहीं बनाया। लेकिन मैं आप सभी को अभी क्या करूँगा कि नोट्स आप सभी को दूंगा, मतलब बिना पेन और पेपर लेकर बैठे मेरे जो क्लास होगा, मेरा जो वीडियो होगा, वो आप सभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को मैं पहले नोट्स दूंगा। तो नोट्स आप सभी को पहले बनाऊंगा, तो नोट्स में आप सभी जितने भी हो 50-100 जितने भी क्वेश्चन हो, तो 100 क्वेश्चन जैसे ही आप करेंगे तो वो आपके कॉपी में आ जाएगा, और वो सभी के सभी VVI होगा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो सभी के सभी VVI रहेंगे। उसके बाद आप सभी को जो है ना ABCD करके ऑब्जेक्टिव, आप सभी के ऑब्जेक्टिव के साथ वाला क्वेश्चन आप सभी को विथ PDF के साथ आप सभी को हम कराने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आप सभी तो पहले नोट्स पढ़ लिए, मान लीजिए लेंस कितने प्रकार के हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ लिए लेंस कितने प्रकार के हैं, और यहाँ पर आप सभी को नोट्स के माध्यम से बता दिया गया है
और उसके बाद आप सभी को ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है ए बी सी डी के माध्यम से, तो यहाँ पर भी आप सभी जो है ना समझ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप सभी को हमने हेडिंग दे दिया है कि प्रकाश का जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो आप सभी को जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे ना, तो उसे आप क्या कीजिएगा, नोट करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके कॉपी में रहेगा, आइए कॉपी में सब VVI क्वेश्चन रहेगा, इससे आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। यह सभी के सभी बहुत बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, क्वेश्चन कम से कम अभी आप सभी को कम से कम बताया जाए तो कम से कम 400 प्लस क्वेश्चन है। लेकिन आप सभी को आज पहला दिन है तो आज कम से कम 50 क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मतलब 50 जो है ना पॉइंट्स नोट्स यह सभी करने वाले हैं। ए बी सी डी आज नहीं रहेगा, आज आप सभी का जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वह सभी के सभी पॉइंट्स जो है यह सभी के सभी इस टाइप के रहेंगे, ठीक है, ए बी सी डी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो इसको आप सभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप सभी को अगर लगता है कि लेंस कितने प्रकार के हैं, लेंस के ए बी सी डी दे दिया 2, 3, 4 और आप सभी 2 बता दिए, खुश हो गए। ऐसे में क्या होगा कि आप सभी अपने ईयरफोन लगाए रहेंगे, अगर आप अपने मोबाइल पर सो कर देख रहे हैं क्वेश्चन टीचर का, तो होता क्या है कि जिस टाइम पर आप पढ़ाई किए, मान लीजिए कि अभी अभी आप पढ़ाई किए, 7 बजे पढ़ाई किए, 10 बजे पढ़ाई किए, 5 बजे पढ़ाई किए, 5 बजे के बाद 6 बजे वो क्वेश्चन अभी पूछा जाए तो आप क्या होगा, आपका भूल जाएंगे। तो भूलने के लिए आप सभी के लिए ना भूल ना जाए, इसलिए हम आप सभी को पहले नोट्स प्रोवाइड करेंगे। नोट्स अगर मान लीजिए अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी टीचर का आप वीडियो नहीं देखते हैं, मगर आप सभी के पास नोट्स रहेगा ना, तो आप नोट्स पढ़ कर अगर जाते हैं, नोट्स अगर पढ़ के जाते हैं तो 100% आप सभी का सक्सेस दम जो है ना, दम सफलता आप सभी को मिलना दम तय है, दम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आप सभी को दम मिलना तय है। इसलिए आप सभी इसे जो है नज़रअंदाज न करेंगे, ठीक है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ध्यान देंगे और मेहनत से, मेहनत और लगन, जितना मेहनत आप सभी के लिए हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप सभी भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी के लिए लाइव चैप्टर है, सबसे पहले पेन और पेपर लेकर बैठे, पेन और पेपर लेकर बैठे, पेन और पेपर लेकर आप सभी जरूर बैठे, पेन और पेपर लेकर आप सभी बैठे, और पेन और पेपर लेकर बैठने के बाद लाइव चैप्टर का जितने भी बातें आप सभी को बोलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सभी को समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा। यहाँ पर आप सभी को कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप सभी पढ़े होंगे कि प्रावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो ए अपवर्तन कोण, बी आपतन कोण, सी प्रावर्तन कोण, डी आक्रांतिक कोण। तो आप सभी ने पढ़ा है, रट्टा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट कि प्रावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं उसे हम प्रावर्तन कोण कहते हैं। तो आप सभी रटे होंगे तो ऑप्शन देखकर रटे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जो आप सभी को नोट्स हम देंगे, नोट्स में होगा कि प्रकाश का जो वेग होता है वो किस तरीके से गमन करता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश कौन सा तरंग है। तो आप सभी जैसे ही हेडिंग समझिएगा, बातें समझिएगा, तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव रहे या नहीं, आप सभी को कंसेप्ट सीधा सीधी जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को आप सभी के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए पॉइंट पर बातें करते हैं, ठीक है। पेन और पेपर, उम्मीद करता हूँ कि इतने अच्छे से आप सभी को बता दिए तो पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। चलिए, पेन और पेपर ले लिए हैं तो आप सभी प्रकाश का प्रावर्तन लिख लें, प्रकाश का प्रावर्तन आप सभी लिख लें, प्रकाश का प्रावर्तन, ठीक है। सभी क्वेश्चन को लिखने में आप सभी को मैं 3 सेकेंड दूंगा, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड दूंगा, ठीक है। चलिए, आप सभी पहला पॉइंट लिख लें कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहला पॉइंट आप सभी लिख लें, यहाँ पर आप सभी को मिल रहा होगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे आप लिख लें, ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, ये भी आप लिख लें, प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का जो वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वो जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये भी आप सभी लिख लें, निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे सभी चीज़ों को लिखते चलें, ठीक है, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम आत्मदीप्त कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को अभी नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद आप सभी को हम
एक्सप्लेन कर कर जब चार ऑप्शन देंगे ना, तो उसमें आप सभी को बताएंगे कि आत्मदीप्त को कैसे पहचानेंगे, अदीप्त को कैसे पहचानेंगे, आत्मदीप्त के परिभाषा क्या होगा, अदीप्त का परिभाषा क्या होगा, सभी बातें आप सभी के साथ हम करेंगे। लेकिन अभी जो है ना, नोट्स नोट्स आप सभी के घर पर आप सभी के कॉपी में होना ज़रूरी है। ये चीज़ें कोई टीचर्स नहीं बताते हैं, ये सभी जो यूट्यूबर हैं ये नहीं बताते हैं। मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम फेस हुआ है वो हम चाहते हैं कि आप सभी के साथ प्रॉब्लम फेस ना हो, क्योंकि हमने भी यूट्यूब से जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम होता था क्या कि जब कोई भी टीचर ऑनलाइन आए या उनका वीडियो आया तो उनका देखते हैं, उनके देखने के बाद हम लोगों वहाँ पर हट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन वही क्वेश्चन वही टीचर से पूछा जाए तो वही जो स्टूडेंट है उनसे पूछा जाए तो वो बता नहीं पाते, हम भी नहीं बता पाते थे, ठीक है। तो यह इसलिए आप सभी को हम चाहते हैं कि नोट्स आप सभी अपने कॉपी में रख लें। यह सभी जो नोट्स है ये नॉर्मल नोट्स नहीं है, ठीक है। चलिए आप सभी को हम बता दें क्या कि वो आत्मदीप्त कहलाते हैं। वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो आत्मदीप्त कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं वो उसे अदीप्त कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, वो पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा जो है वो एक अदीप्त पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद आप सभी अगला पॉइंट को लिख लें, प्रकाश के किरणों का पहला माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे भी लिख लें, प्रकाश के किरणों का पहला माध्यम में ही वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। सभी के सभी मोस्ट VVI है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टा बनते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट को आप लिख लीजिएगा फिर से, वास्तविक वाला। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। हर क्वेश्चन को हम दो दो बार रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है, लिखते चलेंगे, ठीक है। आप सभी लिखते चलेंगे, लिख लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, मिडिल केंद्र को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, दर्पण में सभी धुरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण में सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। चलिए अगला पॉइंट है, जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। दोस्तों यह सभी ऑब्जेक्टिव में बन के आएगा, देखिएगा कल आप सभी का जो क्वेश्चन कराएंगे यही सभी क्वेश्चन में आएगा, आप अभी याद कर लीजिए। अभी आप सभी को थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि अटपटा टाइप का, लेकिन यही जब अभी आप याद कर लेंगे ना, और उसके बाद कल जो ऑब्जेक्टिव में बन के आप सभी को जो वीडियो आएगा तो आप सभी को यही सभी मैच करेगा। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसमें क्या होगा कि आप सभी के पास पहले से नोट्स हैं, इसे आप पढ़ लिए और आप सभी को हम पढ़ाएंगे तो उसमें जो है मैच आप सभी का दिमाग कैच करेगा, क्योंकि रैंडम कोई भी क्वेश्चन को कैसे कोई बताएगा जब तक याद नहीं रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, लिख लिए। जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला पॉइंट,
अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसे आप यह सभी जो पॉइंट है ना, मैं तो पहले से ऑब्जेक्टिव देख रखा हूँ, तो मुझे यह सभी जो नोट्स जब बोल रहा हूँ ना, तो यह सभी मुझे समझ में आ रहा है कि यह कितना VVI चीज़ है इसे। ठीक है, अब फिर से बोल देता हूँ, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस की दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से आप सभी को बोल देते हैं, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों यह सभी जो पॉइंट्स है, इसे अगर आप शो कर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तब ये सभी जो पॉइंट्स हैं यह सभी आप सभी को समझ नहीं आएगा। जैसे ही आप अपने पेन और पेपर लेकर बैठेंगे तो आप सभी को अच्छे से, क्योंकि ये नोट्स है ना, तो नोट्स को आप सभी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर और उत्तल का कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंस होगा। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों अभी जो आप सभी जो नोट्स जो अभी लिखे हैं, 20+ जो अभी आप नोट्स लिखे हैं, इसे पहला दिन आप सभी को इतना ही पर स्टॉप किया जाता है, क्योंकि अभी जो है ना ये फर्स्ट डे है, कल से जो है ना इसका डोज बढ़ा दिया जाएगा नोट्स का। ठीक है, और इसे आप सच में बता रहा हूँ, आप सभी को अपना हॉनेस्टली रिव्यू दूँ आप सभी को, तो इसे आप नज़रअंदाज